आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ हिमाचली तवा चिकन। तो चलिए देखते हैं ये बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत है। चिकन मैंने लिया है 700 ग्राम, ये दही है 3 टेबलस्पून, ये क्रीम है जो मैंने फेंट के रखा हुआ है ये है 2 टेबलस्पून, बटर, इसमें कुछ खारा मसाला है जो ये साबुत धनिया है, जीरा है, ये लाल मिर्च है, ये है ब्लैक पेपर, और इधर है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सिनेमन, और यह है लौंग। इधर यह है प्याज जो मैंने बारीक काट लिया है, और यह है धनिया, और यह है नीम। तो स्टार्ट करते हैं पहले चिकन को मैरिनेट नहीं करना है, पहले ये मसाला रेडी करना है। तो मैं गैस ऑन करती हूँ। ये इतना सारा मसाला है इसको मैं भून लूंगी। ये भूनने के बाद ये मिक्सर में डाल के इसका एक पाउडर तैयार करना है। ये खारा मसाला जो था उसको मैंने भून के मिक्सी में इसका पेस्ट पाउडर बना लिया है। और एक इंग्रेडिएंट चाहिए, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैं बोलना भूल गई थी, और ऑयल। अब चिकन को मैरिनेट करते हैं। दही डाल देती हूँ, इसके बाद ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो 1 टेबलस्पून है, ये क्रीम जो मैंने अच्छे से फेंट के रखा है, और ये हाफ नींबू का रस लेना है। और ये जो मैंने मसाला बनाया था ये मैं 2 टीस्पून भी इन सबको अच्छे से मैरिनेट करना है, मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करना है। अब इसको मैंने ढक के रखे हैं और कम से कम एक घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। एक घंटा हो चुका है, मैं अभी गैस को ऑन कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे ऑयल, कोई भी ऑयल आप ले सकते हो, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून बटर। इसे गरम होने देते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही अच्छा रेसिपी है, आप घर पे ट्राई कर सकते हो।
तेल गरम हो चुका है, प्याज दे देती हूँ। प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। आप इसको तवे पे, पैन पे, कढ़ाई पे, किसी पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास बड़ा सा तवा है, आप उसके ऊपर भी ये कर सकते हो। इसको भी अच्छे से फ्राई करना है। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। अब गैस के फ्लेम को 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो कितना सारा पानी भी निकल रहा है इसमें। मैंने अलग से कोई पानी अभी ऐड किया नहीं। इस स्टेज में मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। अच्छे से ढक देती हूँ क्योंकि चिकन अभी अच्छे से कुक होना बाकी है। और 10 मिनट हो चुके हैं, अभी ये अच्छे से हो गया है। चिकन भी अच्छे से पक गए हैं। इस स्टेज में मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा ऐड करना, अगर ग्रेवी चाहिए ही नहीं तो पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है। अब इसको ढक देती हूँ और इसके लिए एक तड़का बना लेती हूँ। गैस को पहले ऑन कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें एक साबुत मिर्च ऐसे तोड़ के डाल दी, ऐसे तोड़ के डालिए तो अच्छा रहेगा। और ये धनिया जो मैंने काट के रखा था, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। मिला देती हूँ अच्छे से। असर शाही गरम मसाला पाउडर जो है वो ऐड करना है। इसको
से सर्व कर दूँगी। अभी मैं इसको सर्व कर देती हूँ। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।